हेलो साथियों आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हुए अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा स्वागत है आप लोग का सोच ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का चालीस मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ठीक है परीक्षा में हो बहु आएगा यही प्रश्न परीक्षा में क्या आएगा हु बहु आएगा संस्कृत का है और जो कि चालीस मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ठीक है अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और प्रत्येक दिन एक बात ध्यान रखिएगा प्रत्येक दिन आपको शाम के छः बजे वीडियो मिलता है मैट्रिक फाइनल परीक्षा से संबंधित दो हज़ार पच्चीस के लिए सभी विषय का तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए इसी तरह के वीडियो के देखिए देखने के लिए देखिए पहला आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि किसकी जय होती है तो किसकी जय होती है सत्य की असत्य की क्रोध की मोह की किसकी होती है आप लोग कमेंट में आंसर बताएं देखिए इसका होगा एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए होगा सत्य की जय होती है ठीक है देखते हैं दो नंबर प्रश्न दो का प्रश्न है मृत्यु को वश में कौन कर लेता है तो मृत्यु को वश में कौन कर लेता है मूर्ख अज्ञानी विद्वान या इनमें सभी क्या होगा आंसर आप लोग बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दो का ऑप्शन नंबर होगा सी विद्वान देखते हैं तीन नंबर प्रश्न तीन का प्रश्न है कि क्षमा किसकी हत्या करता है तो क्षमा जो है ना किसकी हत्या करता है धर्म का अर्थ का काम का या क्रोध का किसका करता है आप लोग कमेंट में आंसर बताएं जल्द फटाफट में तो तीन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी होगा ठीक है तीन का ऑप्शन नंबर डी होगा देखते हैं चार का प्रश्न चार का प्रश्न है किससे विद्या की रक्षा होती है तो किस से विद्या की रक्षा होती है सत्य से अभ्यास से उबटन से या आचरण से आप लोग कमेंट में आंसर बताएं इसका क्या होगा तो चार का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी होगा अभ्यास से क्या होता है विद्या की रक्षा होती है तो चार का ऑप्शन नंबर बी होगा देखते हैं पाँच का प्रश्न पाँच का प्रश्न है कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है रामायण पाठ के रचनाकार कौन है इसका सही आंसर क्या होगा सूरदास वाल्मीकि वेद या कालिदास आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएं। तो रामायण पाठ के रचनाकार कौन है वाल्मीकि ठीक है पांच का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी होगा देखते हैं छः नंबर प्रश्न छः का प्रश्न है मंदाकिनी नदी कहाँ है मंदाकिनी नदी कहाँ है अयोध्या में त्रिकुट में काशी में वृंदावन में इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं इसका सही आंसर क्या होगा चित्रकूट में ठीक है चित्रकूट कहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में तो छ का ऑप्शन नंबर बी होगा देखते हैं सात का प्रश्न सात का प्रश्न है कि रघुवंश काव्य की रचनाकार कौन है रघुवंश काव्य की रचनाकार कौन है इसका सही आंसर क्या होगा महात्मा विदुर महर्षि वाल्मीकि महर्षि वेद या कालिदास इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी जल्दी बताएं कमेंट में तो सात का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी होगा कालीदास सात का ऑप्शन नंबर डी होगा कालीदास देखते आठ का प्रश्न आठ का प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है तो महान से भी महान क्या है इसका सही आंसर बताएं आप लोग आत्मा परमात्मा संसार या इनमें से कोई नहीं आठ का आंसर फटाफट आप लोग कमेंट में बताएं तो क्या हो जाएगा आठ का ऑप्शन नंबर ए होगा आत्मा होगा देखते नौ का प्रश्न नौ का प्रश्न है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है यह जो संपूर्ण संसार है किसके द्वारा अनुशासन है इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएं आत्मा परमात्मा साहित्य या इनमें से कोई नहीं तो किससे यह अनुशासित है तो परमात्मा से परमात्मा मतलब ईश्वर ठीक है नौ का ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा देखते हैं दस का प्रश्न दस का प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है इसका सही आंसर आप लोग बताएं पाटलिपुत्र उत्कल प्रांत कलीग्राम या इनमें से कोई नहीं तो दस का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए होगा पाटलिपुत्र ठीक है देखते हैं ग्यारह का प्रश्न ग्यारह का प्रश्न है यूनान का राजदूत कौन है तो यूनान का राजदूत कौन है वेनसांग फान मेगस्थनीज या ओबामा इसका सही आंसर आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेगा स्थानिज ठीक है ग्यारह का ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा देखते हैं बारह का प्रश्न बारह का प्रश्न है कि विजय भट्टारी का किसकी पत्नी है तो विजय भट्टारी का किसकी पत्नी है चंद्रादित्य का चंद्रगुप्त का चंद्रकिशोर का या चंद्रशेखर का इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं क्या होगा चंद्रादित्य का बारह का ऑप्शन नंबर ए होगा देखते हैं तेरह का प्रश्न तेरह का प्रश्न है विद्यार्थी में कौन सी संधि है तो विद्यार्थी में कौन सी संधि है दीर्घ संधि अयादि संधि गुण संधि या वृद्धि संधि कौन सा संधि है आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएं तो विद्यार्थी में कौन सा संधि है दीर्घ संधि तेरह का ऑप्शन नंबर ए होगा देखते हैं चौदह का प्रश्न चौदह का प्रश्न है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है तो मीमांसा दर्शन का रचनाकार कौन है इसका सही आंसर बताएं पानी जेमनी या पराशर या सुक्रांत तो चौदह का आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी जल्दी बताएं कमेंट में तो चौदह का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी होगा जेमनी ठीक है देखते हैं पंद्रह का प्रश्न पंद्रह का प्रश्न है कि बिना बुलाए कौन आता है तो बिना बुलाए कौन आ जाता है सज्जन दुर्जन मूर्ख या इनमें से कोई नहीं आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताएं इसका पंद्रह का ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सी होगा मूर्ख बिना बुलाए कौन आता है मूर्ख आता है पंद्रह का ऑप्शन नंबर सी होगा देखते हैं सोलह का प्रश्न सोलह का प्रश्न है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है तो विवाह संस्कार संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है इसका सही आंसर बताएं गोदान वागदान कन्यादान या सिंदूरदान तो इसमें से क्या हो देखिए सिंदूरदान तो आता है विवाह संस्कार के अंतर्गत कन्यादान भी होता है वांगदान भी होता है गोदान नहीं होता है गोदान नहीं होता है ठीक है सोलह का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए होगा नहीं के बारे में पूछा गया है तो सोलह का आंसर नंबर क्या हो जाएगा ए होगा देखते हैं सत्रह का प्रश्न सत्रह का प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है तो पटना का इतिहास कितना पुराना है पच्चीस सौ वर्ष दो हजार वर्ष पंद्रह सौ वर्ष या एक हजार वर्ष आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताएं कमेंट में तो सत्रह का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए होगा पच्चीस सौ वर्ष पुराना है पटना का इतिहास देखते हैं सोलह नंबर सत्रह अठारह का प्रश्न अठारह अठारह का प्रश्न है कि मंगलम कहाँ से संकलित है तो मंगलम जो है कहां से संकलित है इसका सही आंसर बताएं वेद से पुराण से उपनिषद से या वेदांत से सही आंसर आप लोग बताएं क्या होगा तो अठारह का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वेद वे... मंगलम कहां से संकलित है उपनिषद से तो अठारह का ऑप्शन नंबर सी होगा देखते हैं उन्नीस का प्रश्न उन्नीस का प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है तो इसका सच्चा रक्षक कौन है आप लोग आंसर बताएं। बहन है भाई है पिता है या माता है इसमें से आपको आंसर बताना है जल्दी जल्दी बताएं कमेंट में क्या होगा तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है माता है तो उन्नीस का ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा देखते हैं बीस का प्रश्न बीस का प्रश्न है कि अलसाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे तो अल्लाह सलाम जो अग लगाया गया था उसमें से कितने लोग नहीं भागे थे इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं तीन पाँच चार या छः इसका क्या होगा सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएं तो चार लोग नहीं भागे थे ठीक है तो बीस का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी होगा देखते हैं इक्कीस का प्रश्न इक्कीस का प्रश्न है नदियाँ नाम और नदियाँ जो है ना नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है तो नदियाँ जो है ना नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है तो 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 आप लोग कमेंट में आंसर बताएं इसका समुद्र में मानसरोवर में तालाब में झील में किस में मिलता है आप लोग जल्दी ले आंसर बताएं तो समुद्र में इक्कीस का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए होगा ठीक है तो आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल पर नैनो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि प्रत्येक दिन शाम को छः बजे आपको मैट्रिक फाइनल परीक्षा दो के लिए वीडियो मिलता है यहाँ पे सभी विषय का देखिए छब्बीस का बाईस का प्रश्न देखिए बाईस का प्रश्न है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर है तो सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर है तो बाईस का बताइए आप लोग भागलपुर नालंदा पाटलिपुत्र या दरभंगा तो बाईस का क्या होगा आंसर आप लोग कमेंट में बताएं फटाफट तो बाईस का आंसर नंबर क्या आंसर क्या होगा पाटलिपुत्र बाइस का ऑप्शन नंबर सी होगा इक्कीस का अगर आंसर आपको पता नहीं है तो आप लोग जल्द कमेंट बता में बताएं समुद्र में तो बता ही दिए थे इसका आंसर देखते हैं तेईस का प्रश्न तेईस का प्रश्न है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे पलायन मतलब चले गए थे भाग गए थे इसका मतलब यही होता है तो आलसी लोग समझदार लोग फुर्तीले लोग या धूर्त लोग आप तो जल्दी जल्दी बताएं आंसर इसका क्या होगा तो तेईस का क्या हो जाएगा आंसर धूर्त लोग ठीक है डी नंबर तेईस तो का ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा देखते हैं चौबीस का प्रश्न चौबीस का प्रश्न है दुख शब्द का विषय क्या है तो दुख शब्द का विषय क्या है भ्रांति शांति अशांति या क्रांति इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं क्या होगा अशांति होगा चौबीस का ऑप्शन नंबर सी होगा देखते हैं पच्चीस का प्रश्न पच्चीस का प्रश्न है वेर से वेर समन क्या है वेर से वेर समन क्या है संभव है असंभव है या इनमें दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा इसका पच्चीस का सही आंसर आप लोग बताएं क्या होगा असंभव होगा पच्चीस का ऑप्शन नंबर बी देखते हैं छब्बीस का प्रश्न छब्बीस का प्रश्न का है निरुक्त का क्या कार्य है निरुक्त का क्या कार्य है यथार्थ बोध बोध अर्थ बोध या तत्व बोध छब्बीस का आंसर बताएं आप लोग कमेंट में छब्बीस का क्या हो जाएगा वेदार्थ बोध ठीक है छब्बीस का ऑप्शन नंबर बी होगा देखते हैं सत्ताईस का प्रश्न सत्ताइस का प्रश्न है परपिंडन किस लिए होता है परपिंडन किस लिए होता है पुण्य के लिए पाप के लिए नाश के लिए या धर्म के लिए आप लोग आंसर बताएं क्या होगा इसका सताइस का सत्ताईस का क्या हो जाएगा नाश के लिए परपिंडन किसके लिए होता है नाश के लिए सत्ताइस का ऑप्शन नंबर सी होगा देखते अट्ठाइस का प्रश्न अट्ठाईस का प्रश्न है एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है उत्कर्ष या अपकर्ष आकर्ष या प्रोप चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर बताएं एक देश दूसरे देश को क्या देख कर जलते हैं उत्कर्ष देख के ठीक है तरक्की उत्कर्ष मतलब क्या होता है तरक्की अट्ठाइस का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए होगा देखते हैं उनतीस का प्रश्न उनतीस का प्रश्न है ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की तो गौतम ऋषि ऋषि गौतम या गौतम ऋषि एक ही बात है ठीक है आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी सांख्य दर्शन न्याय दर्शन योग दर्शन या चंद्र दर्शन आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएं जल्दी जल्दी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उनतीस का न्याय दर्शन उन्तीस का ऑप्शन नंबर बी होगा देखते हैं तीस का प्रश्न तीस का प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी कोलकाता में पटना में चेन्नई में या मुंबई में आप लोग जल्दी आंसर बताएं इसका क्या होगा तीस का तो तीस का आंसर क्या हो जाएगा मुंबई तीस का ऑप्शन नंबर डी होगा ठीक है अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ठीक है और एक बार ध्यान रखिएगा आपको शाम को छः बजे प्रत्येक दिन आपको स्वयं को छः बजे वीडियो मिलता है है मैट्रिक फाइनल परीक्षा दो के लिए सभी विषय का देखते हैं इकतीस का प्रश्न इकतीस का प्रश्न है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं सत्यवादी कुटीवादी कटुवादी है कटुवादी प्रियवादी या यथार्थवादी तो इकतीस का ऑप्शन नंबर क्या होगा जल्दी लिए बताएं आंसर क्या होगा इसका इकतीस का इकतीस का आंसर क्या होगा प्रियवादी ठीक है इकतीस का ऑप्शन नंबर सी होगा देखते हैं बत्तीस का प्रश्न बत्तीस का प्रश्न है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया चाहे चारों जो आलसी था उसमें कैसे बाहर किया गया तो उसको पेड़ पकड़ के हाथ पकड़ के केश पकड़ के या टांग पकड़ के अगर जल्दी जल्दी आंसर कीजिए कमेंट में आंसर कीजिए क्या होगा इसका बत्तीस का क्या हो जाएगा आंसर सी होगा केश पकड़कर ठीक है बत्तीस का ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा केश पकड़ कर देखते हैं तैतीस का प्रश्न तैतीस का प्रश्न है कि से संस्कार कितने हैं तो से संस्कार कितने हैं छ चार पाँच और आठ इनमें से क्या होगा आप लोग तो जल्दी जल्दी आंसर बताएं इसका आंसर क्या होगा तो शेषव सब संस्कार कितने है? हैं छः हैं तैंतीस का ऑप्शन नंबर ए होगा देखते हैं चौंतीस का प्रश्न चौंतीस का प्रश्न है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है ईश्वर दैत्य आलसी या क्रोधी इसमें से कौन आंसर होगा आप लोग तो जल्दी जल्दी बताएं कमेंट में तो चौंतीस का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ईश्वर ठीक है चौंतीस का ऑप्शन नंबर ए होगा देखते हैं पैंतीस का प्रश्न पैंतीस का प्रश्न है चरित्र का निर्माण किससे होता है या किससे होता है है वेर भावना से संस्कार से अशांति से या इनमें से कोई नहीं क्या होगा आंसर इसका बताइए पैंतीस का आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी जल्दी बताए कमेंट में बी 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 सही है बी संस्कार से किससे होता है चरित का निर्माण संस्कार से तो पैंतीस का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी होगा आप लोग सही आंसर दे दिए हैं देखते हैं छत्तीस का प्रश्न छत्तीस का प्रश्न है महाराष्ट्र महाराष्ट्र नहीं होगा महाराज होगा महाराज यहाँ पे कैपिंग मिस्टेक है महाराज होगा ठीक है महाराज धृष्ट राज यहाँ पे जो होगा महाराष्ट्र धृष्ट राष्ट्र के प्रश्नों की समुचित उत्तर कौन दे रहा था कृष्णा अर्जुन या दुर्योधन या मंत्री विरोध कृष्णा नहीं होगा कृष्ण भगवान होगा ठीक है कृष्ण होगा इसका देखिए टाइपिंग मशीन है लेकिन यहाँ पर हम पढ़ के बता देते हैं आपको महाराज धृष्ट राष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन दे रहा था कृष्ण अर्जुन दुर्योधन या मंत्री विदुर इनमें से क्या होगा आंसर आप लोग बताएं छत्तीस का आंसर बताएं कमेंट में क्या होगा मंत्री विदुर मंत्री विदुर मंत्री विदुर मंत्री विदुर सही है आपका आंसर क्या हो जाएगा छत्तीस का ऑप्शन नंबर डी होगा मंत्री विदुर देखते हैं सैंतीस का प्रश्न सैंतीस का प्रश्न है परम तृप्ति किस देने वाले क्या है परम तृप्ति देने वाली क्या है विद्या लोभ क्रोध या दीर्घ सूत्रता क्या होगा इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं तो सैतीस का क्या होगा आंसर आप लोग बी 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 ए ए ए सी 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 सभी का गलत डी तीन बी डी डी आया है इसका क्या होगा दीर्घ सूत्रता होगा ठीक है सैतीस का ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा दीर्घ सूत्रता देखते हैं अड़तीस का प्रश्न अड़तीस का प्रश्न है कि दानवीर कौन था तो दानवीर कौन था कर्ण इंद्र कृष्ण या अर्जुन दानवीर कौन था यह तो सबसे आसान सवाल है आप लोग कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा कर्ण 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 कर्ण, कर्ण. यह प्रश्न सभी का आंसर सही है कर्ण था दानवीर कौन था कर्ण था तो अड़तीस का ऑप्शन नंबर ए होगा देखते हैं उनचालीस का प्रश्न उनचालीस का प्रश्न है कि कर्मकांड कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है तो कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है शिक्षा कल्प व्याकरण या निरुक्त क्या होगा इसका आंसर बताएं आप लोग कमेंट में कि कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है कल्प, कल्प 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 बहुत सारा बच्चे का आंसर सही है कल्प होगा उनचालीस का ऑप्शन नंबर बी होगा देखते हैं चालीस का प्रश्न चालीस का प्रश्न है कि रिंग वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं रिस, का वर्णन प्राप्त है रिंग वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है छब्बीस तेईस पच्चीस या चौबीस क्या होगा एक्स का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं चालीस का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं फटाफट बताएं चालीस का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी होगा चालीस का ऑप्शन नंबर डी होगा ठीक है तो आप लोग आज हम लोग पढ़े हैं चालीस मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न संस्कृत का ठीक है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और एक बात ध्यान रखिएगा आपको शाम के छः बजे प्रत्येक दिन आपको शाम के छः बजे वीडियो मिलता है मैट्रिक फाइनल परीक्षा दो के लिए सभी विषय के ठीक है